बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी नाइन्थ की मैथ लेकर के। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको आने भी लगा। आज हम थर्ड चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। ये मेज वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगी, खटिया होगा, तख्ता होगा, कुछ होगा ना, उस पर लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे पहले के ज़माने में। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट हो गई है, ढीवरी जिसे बोलते हैं, मतलब मिट्टी का तेल भरते थे कांच की शीशी में, उसमें ऊपर बाती लगा के जलाते थे। जैसे ये स्याही वाला है ना, ऐसे इसमें मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जलता था, ऐसे रख देते थे, जलता रहता था, पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था। आज के ज़माने में अब लोगों को दिखेगा नहीं उतनी लाइट में, ठीक ना, लेकिन हम लोग को बहुत मज़े से दिखता था क्योंकि वैसे खान पान भी होता था गाँव में, देहात में, है ना, मिलावट नहीं होती थी। तो दोस्तों, फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए और तब आपको समझ में आता है। देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मान लो आपका स्टडी टेबल है, ठीक, इस पर ये लैंप रखा है, वैसे ये सैनिटाइजर है पतंजलि का, लेकिन ये लैंप है मान लो। अब आपको स्थिति बतानी है कि ये लैंप जो है इस टेबल मेज पे, यानी मेज पे किस जगह पे, यानी कैसे रखा है। तो कैसे बताओगे, देखो आप ये बताओगे कि हम जिस साइड से बैठे हैं उधर से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है ना, ठीक, और ये बाएं साइड से, ये लैंप बाएं साइड से कितना दूर है, इसको आप नाप लोगे। ये देखो 15 और ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, मतलब 28 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि ये लैंप हमारी तरफ से जिधर से हम बैठे हैं उधर से 15 सेंटीमीटर दूर है और बाएं तरफ से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। बाकी वैसे नहीं बताओगे कि रखा है बीच में, लेकिन कहाँ रखा है ज्योमेट्री में आपको करेक्ट बताना पड़ेगा ना। मतलब ये कहने का है कि हम जिधर से बैठे हैं हमारी साइड से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है और जबकि बाएं साइड से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से अगर यहाँ पे ये ना भी रहे, हटा भी दो, बाद में भी कोई ला के इस पर रख सकता है। कैसे, इधर से 15 नाप लो और इधर से 28 नाप लो, ऐसे, तो जहाँ पे ये जाके मिलेगा उसी जगह पे जाके रख देंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर दूसरा देखिए, क्लास 9th NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या, ये बहुत बड़ा है, लेकिन समझने का एक फेर है बस। ये कहानी है एक प्रकार की, बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए समझो। अभी ये सिर्फ आधा क्वेश्चन लिखा है, अभी इतना और भी है दूसरा, ठीक है, कहानी समझो क्या है। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। भाई नगर बहुत से होते हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य सड़कें होती हैं जिन्हें हाईवे बोलते हैं, जो बहुत चौड़ी बड़ी होती हैं, बाकी छोटी मोटी गली मोहल्लों में सड़कें जाती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि जैसे मान लो एक शहर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो मुख्य सेंटर है, जैसे मान लो संगम मान लो, तो वहाँ पर दो सड़कें क्या करती हैं, मिलती हैं। आगे कह रहा है कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब एक सड़क ऐसे ऐसे है तो एक सड़क ऐसे गई है, बीच में एक जगह कट रहा जहाँ चौराहा बन रहा है। आगे समझो क्या है। कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की और जो सड़कें हैं इन दो सड़कों के समांतर, मतलब अगर एक सड़क ऐसे है तो दूसरी फिर ऐसे नहीं, नहीं लंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे 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 और भी ढेर सारी सड़कें हैं, और इधर में भी बहुत सारी सड़कें ऐसे ऐसे अभी बना के दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक। समांतर दूरी पर है। आगे कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब हर दिशा में लगभग 5 सड़क है। एक सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो भैया देखो, कह रहा कि एक सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना, अगर हम 200 मीटर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमारा बोर्ड जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम खींच पाएंगे नहीं, इसलिए क्या करेंगे, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसलिए जहाँ 200 मीटर खींचना वहाँ 1 सेंटीमीटर खींच देंगे, इतना बड़ा छोटा सा बस हो गया, उतने में आ जाएगा,
ठीक, तो चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? जल्दी करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हम फिर आगे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। ये है नगर की दो मुख्य सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। कहीं जब चित्र बनाते हैं तो ऊपर साइड उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, याद रखना, ठीक? कहीं अगर कॉपी में फिगर बनाओगे या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ यानी कि दाहिने, जो उत्तर है उसके दाहिने साइड हमेशा पूर्व होता है। दाहिने साइड क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, जिसे वेस्ट बोलते हैं उसे ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो क्वेश्चन फिर से आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखवा दिया था, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी कॉपी खोल लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा, चूंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, तो मिल भी गई केंद्र पर, आइए दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिल रही, यहाँ पे आके मिल रही, ये क्या है? नगर का केंद्र है, ये सेंटर है। आगे जो कह रहा है वही करते जाओ, क्वेश्चन समझना, केंद्र पर मिल गई। आगे कह रहा कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब इन्हीं सड़कों के समानांतर 200 मीटर दूरी पर हैं लगभग, और हर दिशा में 5 सड़क है। तो मतलब इधर भी 5 सड़क है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5-5 सड़क है। तो चलो खींच लेते हैं, एक सड़क तो ये हो गई, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं यहाँ से, मतलब 5 खींचो इस पे से, एक, देखो ध्यान से, दो, खींच लो फटाफट, तीन, इसी तरह से फिर चार, फिर पांच। देखो अब हमने इसके समांतर 5 सड़क खींच दिया, नॉर्थ साउथ वाली जो सड़क थी इसके समांतर हमने 5 सड़क इधर खींच दिया, 5 इधर खींच दिया, इसके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है, मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और वास्तव में 200 मीटर है, ठीक है। देखो 5 सड़क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई नॉर्थ साउथ के समांतर, लेकिन अभी एक ये जो सड़क थी ईस्ट वेस्ट, इसके भी समांतर 5 सड़क खींचना है, बोला था ना 5 सड़क है, तो चलो 5 खींचो, एक, देखो इस तरह से भैया सीधी सीधी रोड जाने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ी नहीं होने चाहिए, सड़क सीधी सीधी है ना, तो ये रोड सीधा जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब देखो ध्यान दीजिए साथियों, ये 5-5 सड़कें हो गई हर एक साइड में, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, 5 इधर, 5 इधर, ठीक। जो सड़कें ऐसे ऐसे हैं वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है, नॉर्थ और साउथ के समानांतर हैं। इतना हो गया, इसको एक मॉडल बनाना था, कह रहा था मॉडल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो, जो मैंने नहीं लिखा था उसको देखो, स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देख लेना छोटा छोटा, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो आप ले लेना, और हाँ नहीं तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तेजी के साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो मैंने बना लिया था, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दोनों मुख्य मार्गों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये हो गया, सब मैंने कर दिया इतना, ठीक। कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो मैंने इतना कहानी तो कर दिया, लेकिन अभी इतने में इसका पूरा हुआ नहीं, अभी आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहा आपके मॉडल में एक से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, हाँ है, बहुत सारा चौराहा है। देखो ये चौराहा, ये भी है, 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 बहुत सारे चौराहे हैं। क्यों भाई? जहाँ पर दो सड़कें इधर उधर काटेंगे वो चौराहा बन जाएगा, एक राह इधर को जा रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो चौराहे कितना है इस तरह से, देखो खूब सारे चौराहे हैं, सही बात है ना, ये सब चौराहे हैं, जहाँ पर दो रास्ता एक जगह कट रही वो क्रॉस स्ट्रीट है, जिन्हें चौराहा बोला जाता है, क्रॉसिंग।
हाँ, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं। बिल्कुल हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कह रहा कि यदि दूसरी सड़क, ध्यान से समझना, आप समझना क्या कह रहा है इसमें, वो समझना है, बहुत ध्यान समझो। फिर से कह रहा कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई एक से अधिक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। इतने में कुछ नहीं समझना, बिल्कुल है, ये हो सकता है। अब समझना, कह रहा कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कौन सी है, अभी उसके लिए पूरी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब एक उत्तर दक्षिण में है, दूसरी पूर्व पश्चिम में है। ये कोई क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा है जो स्पेशल है। अभी देखो आगे कौन सी है, वो स्पेशल आपके सामने आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है, हाँ, जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा है ये, और दूसरी सड़क मतलब कौन सी, देखो दूसरी सड़क, एक तो ये मुख्य सड़क थी और ये एक उसकी नॉर्मल वाली सड़क थी। अब दूसरी सड़क का मतलब ये दूसरी हो जाएगी कि ये होगी, सोचो ये दूसरी होगी कि ये होगी। भाई देखो, इसको अगर समझने की कोशिश करो तब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए, दूसरी सड़क के लिए आप मुख्य सड़क को पहली सड़क नहीं मानोगे, याद रखना, ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो, कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी मतलब ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ठीक है, ये सड़क है कोई, कौन सी है, ये दूसरी सड़क है, कह रहा उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण यही तो है ना, तो यहां से ये तो मुख्य सड़क है, ये पहली, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। और पांचवी सड़क कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, पांचवी सड़क। अब पांचवी किधर से, पूर्व पश्चिम दिशा में बोल रहा है, पांचवी सड़क, ध्यान से देखो, ये पूर्व पश्चिम है। अब पांचवी सड़क कह रहा पूर्व पश्चिम में जाती है, तब हम इसे 2.5 बोलते हैं। तो देखो ये नीचे हो नहीं सकती है क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा, आप पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में शुरू में, अभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो नीचे ये पांचवी सड़क हो नहीं सकती, पांचवी सड़क होगी तो इसी में ऊपर ही होगी, इधर भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर x माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर अगर आएगा नीचे तो y माइनस हो जाएगा। जबकि कह रहा है जिसे 2.5 कहेंगे, मतलब प्लस में बोल रहा है ना, तो प्लस में इसी में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता है। तो पांचवी सड़क किधर से, ये मुख्य सड़क से ऊपर पांचवी सड़क, एक दो, देखो यहीं से गिन लो चाहे, ये पहली सड़क है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब ऊपर वाली, और इधर ये यहाँ पे इस पे मिला था ना, ये मतलब यहाँ, इसको तो मैं वैसे बताया था सड़क के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं था कि यहीं पे आके मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ये बोल रहा है ऐसा, क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ठीक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिखाना नहीं 2.5, समझना है। अभी आपसे इसी आधार पे और भी कुछ पूछ रहा है, जैसे कहते हैं ना, यदि बिल्ली को ऊंट कहा जाए, ऊंट को शेर कहा जाए, तो भालू को क्या कहा जाएगा, वैसे है, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। जो परंपरा मैंने बताया कि 2.5 जो है वो यहां पर होगा, यहां पे क्यों होगा, चूंकि यक्स पे दो, ये यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, तो यक्स पे दो, दो मतलब एक दो, ये दो और ये पांच है। इसी परंपरा पर ये बताइए कि 4.3 है वो कितनी जगह पर हो सकता है। भैया 4.3 कितनी जगह हो सकता है, यक्स पे चार मतलब चौथी सड़क, चलो यक्स इधर है ना, चौथी सड़क को भी प्लस में, इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा यक्स, इधर ही प्लस होता है। चिन्ह के बारे में अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो देंगे, ठीक। देखो साथियों, करना क्या है, इधर साइड में क्या कह रहा है, 4.3 ना,
तो चार सड़क गिनो इधर साइड में, चार सड़क प्लस साइड में, ठीक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। भैया सड़क तो यही है, अब कहाँ पे होगा ये नहीं पता, अभी जहाँ होगा मिल जाएगा। चार कामा तीन, चार एक्स पे और तीन वाई पर, तो यहीं से तीन ऊपर चलो, एक दो तीन, मतलब यहाँ पर ये है चार कामा तीन। ये क्या है चार कामा तीन जहाँ मैं घेरा हूँ। ये पूछा था कि कितनी जगह चार कामा तीन लिखा जा सकता है, कितने ऐसे चौराहे होंगे जिसपे हम चार कामा तीन लिख सकते हैं। ये बताओ कोई और ऐसा चौराहा है। हर एक चौराहे का अपना मुख्य मान होगा, हर एक का, प्रत्येक का। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो मैं वहाल चौराहा, सुभाष चौराहा को, महात्मा गांधी मार्ग को आप सरदार पटेल मार्ग बता दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप जो चौराहा है हर किसी का मुख्य मुख्य अपना अपना मान है, समझ रहे हो ना। जैसे जो इलाहाबाद से होंगे उनको मालूम होगा बालसन चौराहा है तो उसे सुभाष चौराहा नहीं बोल सकते हो, है ना। मैं वहाल है तो उसे आप बालसन नहीं बोल सकते हो। तो उसी तरह से जो चौराहे हैं सबका अपना अपना मान है। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। इसका उत्तर लिखोगे एक, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 4.3 मान सकते हैं और किसी को नहीं। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3.4 माना जा सकता है। 3.4 मतलब यक्स पर 3, वाई पर 4। तो यक्स पे 3, इधर यक्स है 3, मतलब 1, 2, 3, ये यहाँ है 3, ठीक। ये मैं रोड का चिन्ह लगा रहा हूँ बस, बाकी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। वाई पर 4, यहीं से 4 चलो, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ, यहाँ क्या है भैया, ये 3.4। पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3.4 लिख सकते हो, इसका भी उत्तर होगा एक। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 3.4 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, अगर कोई सोचे कि इस पर क्या लिखेंगे, चलो इस पे क्या लिखेंगे, वाई वाला तो 4 ही है, गिनो 1, 2, 3, 4, वाई वाला तो 4 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाला बदल जाएगा। कैसे, यहाँ से गिनो 1, 2, और यहीं पे है ना, या यहाँ से गिनो चाहे, देखो 1, 2, ये भाई 1 हो गया है 2 ना, इस पे 2.4 बनेगा। क्या बनेगा, 2.4, इस पर 1.4 बनेगा। ये पूछा नहीं था लेकिन मैं अपने बता दे रहा हूँ, ठीक। इस पर करोगे तो यक्स वाला 0 हो जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ रहा कुछ भी, तो ये 0.4 होगा। चाहे सब का बना लो, हर एक चौराहे का माना जाएगा अपना अपना। अगर इस पे बोले तो इस पे देखो यक्स पे कितना चल रहा है इधर, 1, और ये 1, 2, 3, 3.4 होगा। 3.4 सही है, गलत है, ये पहले पर है, यक्स पे 1 है, यक्स पर 1 है। वाई पर देखो ये मुख्य सड़क है ना, वाई पर देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर है, मतलब 1.3 होगा, समझ गए ना। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चिन्ह वाला कांसेप्ट समझना होगा, ये किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं यार, देखो जो संख्याएं होती, संख्या रेखा आपने देखा होगा, उस पर दाहिनी साइड सभी संख्याएं प्लस होती हैं, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, ऐसे ऐसे देखा होगा ना। इधर साइड माइनस होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, इधर नीचे भी माइनस होती है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 होता है ना, ऊपर फिर प्लस होता है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, ऐसे होता है। तो भैया अगर ऊपर चलोगे तो प्लस जाएगा मान, इधर जाओगे तो प्लस जाएगा, लेकिन नीचे आओगे या इधर जाओगे तो माइनस आएगा। इसलिए इस चतुर्थांश का मान प्लस प्लस होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था, क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। आपको ये बनाना ऐसे ही है जैसे सब बना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैंने बताया, ये और ये चिन्ह, उन कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सिर्फ वही जो रेड कलर घेरा हूँ उतना लिख लो बस, इसको पूरा बना के रेड कलर वाला जो घेरा हूँ उतना लिख लेना, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है। जो स्टूडेंट है नाइन्थ वाले, और जिनको समझना था उनको तो पूरा देखना है, समझ लें वो बस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाने में थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ये कहानी एक प्रकार से। तो साथियों ज्यामिति के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें विशेष महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर भी करवाएंगे। आपको पता है कि चैप्टर का जो है 3.1 आपने पढ़ लिया है, कुछ काफ़ी जो है इसमें पढ़ लिया है 3.12 में जो भी है, तो उसके आगे वाला चैप्टर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले पहले ये सब चीज़ देख लो, ठीक है। 3.1 आप पढ़ लियो, 3.2 करवाना है, लेकिन 3.2 के पहले ये ज़रूरी है। साथियों पहले तो आप वर्ड समझिए, शब्दों को समझिए, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। मुख्य रूप से एक है कार्तीय तल,
कार्तिक तल ही इसका मेन जो है वो कप्तान है एक प्रकार से, मतलब मॉनिटर है इस सिस्टम का पूरे, ठीक है। तो कार्तिक तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो वहां पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है क्योंकि इसका भी काम लगेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कार्तिक तल को दोस्तों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, देखो लिखा है ना इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं आप समझ लेना, क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके अलावा चतुर्थांश, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ये चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष है ना अक्ष, इसमें तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, वैसे तो अक्ष को अकेले एक्सेस बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक। फिर अभी प्रयोग होगा भुज और कोटि, भुज और कोटि का मतलब जानते हो, जो यक्ष के मतलब सापेक्ष मान होगा वो भुज होगा उसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, जो वाई के सापेक्ष होगा उसे कोटि बोलेंगे वाई से, ठीक है। तो इंग्लिश में भुज को एब्सेसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आप नोट कर लो क्योंकि हिंदी इंग्लिश का आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि मूल बिंदु क्या होती है इसमें, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं, और फिर भुज क्या है, ये कोटि क्या है, इन शब्दों का परिभाषा हम देखेंगे, इनसे आपको परिचय करवाएंगे ये हैं क्या। पहले तो आपने शब्दों को देख लिया, चलिए अब एक एक हम आपको लिखवाते हैं। इसमें पहला आता है मुख्य रूप से मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु क्या होता है, इसे इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं दोस्तों, यक्ष और वाई अक्ष जिस जगह पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है या फिर इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष है ना ये भाई, ऐसे गया यक्ष अक्ष ना, और ये वाई अक्ष है, ये जहाँ पर दोनों कट रहा है बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0.0 होता है, कितना होता है 0.0, इसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, क्योंकि उस पर यक्ष भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, यहीं से यक्ष की शुरुआत होती है, यहीं से वाई की भी शुरुआत होती है। यक्ष यहाँ से इधर प्लस साइन में जाता है, मतलब प्लस में, इधर वाई जो है प्लस में जाता है ऊपर, इधर नीचे एक्स माइनस में आता है, इधर वाई माइनस में जाता है, मतलब सब कुछ यहीं से मैनेज होता है, यही इसका क्या होता है केंद्र होता है एक प्रकार से, मान लो ये राजधानी होती है, ठीक है, लेकिन राजधानी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये मूल बिंदु है गणित की भाषा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्ष क्या होता है, अक्ष तो आप जानते हो ऐसे, अभी बात आ जाएगी किसी ना किसी टॉपिक में, पहले देख लो भुज क्या होता है, अगला हेडिंग डालो भुज, भुज को अभी मैंने इंग्लिश में लिखा था ना एब्सेसिया ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं, देखो ऐसे समझ लो बुक में क्या लिखा है, मूल बिंदु से सॉरी वाई अक्ष की लंबवत दूरी को यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी, देखो मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के लंबवत, अब वाई अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष तो ये है ना भाई, ये वाई अक्ष है ना, लंबवत, लंबवत मतलब अगर कोई ये रेखा इसके लंबवत बोलें तो लंबवत का मतलब ऐसे, मतलब उसको काटे जो, समझ रहे हो ना, अगर हमने ये रेखा इसे खींचा था अगर ऐसे उसके बगल खींचेंगे तो समांतर हो जाएगी, इन दोनों को समांतर रेखा बोलते हैं, लंबवत का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करें, है ना, प्रतिच्छेदित करें जिसे बोलते हैं। तो मूल बिंदु से क्या कह रहा है, देखो फिर से, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को, तो भैया वाई अक्ष ये है लंबवत, इसका कब होगा ये क्या है लंबवत है, ये सब लंबवत है, ये सब वाई अक्ष के लंबवत है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भुज बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष का निर्देशांक बोलते हैं। जैसे अभी गिनती हम लिखें, अभी आपको लिख के दिखाएंगे, इधर गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ती जाती है ना, इधर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है ऊपर साइड में, नीचे माइनस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है वो क्या है, थोड़ा विस्तार से समझ लो, मान लो कि मैंने इसको यहाँ से मिलाया और इसको भैया ये 3 वाला यहाँ से मिलाया, यहाँ पे ना, यहाँ आके मिल रहा है ना, ये 3 वाला यहाँ आ रहा है, ये 4 वाला जा रहा है, अब यहाँ पर एक बिंदु बनेगा 4.3 बनेगा, इसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो 4.3 का मतलब क्या है पता है आपको, ये इस बिंदु का निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक है, मान लो इसका मैंने नाम लिख दिया बी, तो बी का निर्देशांक क्या है 4.3। इसमें अब समझो, इसमें भुज क्या है,
अभी मैंने बताया था जो वाई एच के लंबवत दूरी है वो भुज है। तो भैया वाई एच ये है, वाई एच ये है ना, इसके लंबवत दूरी कौन सी है, इसके लंबवत ऐसे है ना, ऐसे वाली इधर वाली ना, तो ये कितना है देखो, एक दो तीन चार, ये चार वाली गई है ना लाइन भाई, ये इतना बड़ी है लेकिन कितना बड़ी है, चार के सीधे तक बड़ी है ना। अगर ये यहीं खत्म हो गई होती तो तीन होता इसका मान, लेकिन यहाँ तक गई तो चार के सीधे तक आई, मतलब चार, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो भुज क्या है, चार है। ठीक इसी तरह से कोटि की जो परिभाषा है इसके उल्टी हो जाएगी। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे ऐसे कहोगे मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। तो भैया यक्ष अक्ष ये है, ये यक्ष अक्ष गया ना, ये यक्ष अक्ष है, इसकी लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। लंबवत मतलब जो ऐसे जाए, ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक आप समझना, लंबवत दूरी किसके, यक्ष अक्ष के लंबवत ना, क्या बोल रहा है, यक्ष अक्ष से दूरी, हाँ मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी, जैसे मैंने अभी उसमें बताया था लंबवत दूरी ना। तो अब इसमें समझो, जैसे अब इसमें अगर देखा जाए तो भैया यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है, यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है, तीन ना। देखो ये लंबवत दूरी यक्ष अक्ष है ना, ये लंबवत इधर से जाएगा तो इधर से भी तो आएगा लंबवत यक्ष अक्ष के, क्योंकि यक्ष अक्ष तो यही है ना, तो इधर से जाएगी तब भी लंबवत होगी, अब इधर से भी तो रेखा आ सकती लंबवत ऐसे, ये भी तो लंबवत है ना। तो अब देखो जो चार कमा तीन लिखा था इसमें तीन, भाई ये बिंदु तक हम कितना गए थे ऊपर, ये लंबाई कितना है कैसे जानेंगे, बोलो ये जिसपे मैं मारकर रगड़ रहा हूँ ये कितना है कैसे जानोगे, इसके लिए आप ये गिनती करोगे, यहाँ से जो गिनती है, ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ गिनोगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, ऐसे मान लो कि हमें छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऐसा तो नहीं हम बीचों बीच में जहाँ खड़े हैं यहीं पर से छत को नाप लेंगे हाँ कितना ऊंचा है, ये थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दीवार नाप लें वहाँ से, क्या नाप लें, दीवार नाप लें छत तक ऊपर, तो आप समझ जाओगे कितना ऊंचा छत है ना, क्योंकि छत और दीवार जो है एक ही में ऊपर जाके टच है ना, तो आप क्या नापोगे, दीवार नापना आसान होगा कि बीचों बीच में खड़े होकर नापोगे जहाँ पंखा लगा है, वहाँ से नापना मुश्किल होगा ना। मान लो फीता पे नाप रहे हो, फीता आपने देखा होगा उसमें सेंटीमीटर में लिखा होता ना, ऐसे गोला गोला होता है, जो लोग घर वगैरह बनाते हैं या टेलर वगैरह जो कपड़ा सिलते हैं उसमें लिखा होता ना मीटर, सेंटीमीटर लिखा होता है, जिसे लोग लंबाई वगैरह नापते हैं, फीता टाइप का निकलता है ना, तो उससे अगर बीच में खड़े होकर छत की ऊंचाई नापोगे मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दीवार नापोगे तो आसान होगा दीवार से। तो उसी तरह इसमें यहाँ से नापना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इसकी तुलना करते हैं क्योंकि ये लाइन इसी लाइन के इतने बराबर है ना, है ना, तो जब यहाँ पे तीन है तो इसका मतलब ये भी तीन के बराबर है ना। तो यानी कि जो कोटि है ये कितना है, तीन है, इसे क्या बोलते हैं, कोटि, कोटि नहीं बोलते हैं, कोटि टापे छोटी मंत्र रहता है, समझ गए ना। तो ये हो गया भैया आपका भुज कोटि, मूल बिंदु हो गया, निर्देशांक हो गया, अक्ष हो गया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, याद रखना कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जैसे आपने अभी सीख लिया भुज कोटि मूल बिंदु वगैरह जो भी है, तो अब इसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये सभी मैंने जो ये खाना टाइप का नक्शा टाइप का बनाया है, मान लेते हैं इनका नामकरण कर लेते हैं, ये बी है। अब आपसे पूछा जाए कि बी का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको बताना होगा बी का निर्देशांक क्या होगा। उसके लिए ध्यान से समझो, मैं एक दो बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करके और कमेंट करना, ठीक है। अगर आपने ऐप में क्लास लिया है तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। हम गारंटी लेते हैं आपको पूरा मैथ आएगी, यूट्यूब पे सारी क्लास फ्री मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप अपने खूब दोस्तों को शेयर करिए और ढेर सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए जैसे इसका निर्देशांक हमें निकालना है, मतलब हमें यक्ष कामा वाई इसके पद में निकालना है, तो पहले इस पे देखो यक्ष का मान कितना होगा। हमने कहा था यक्ष का मान वो होगा जो वाई एच के लंबवत होगा, तो वाई एच के लंबवत मतलब कौन सी रेखा है, ये वाई एच के लंबवत होगी ना भाई, वाई तो यही है ना, वाई तो ये सीधा वाला है, तो इसके लंबवत ये जो ये रेखा है ये लंबवत है इधर ना, तो मतलब ये रेखा ये, यानी यहाँ बोले तो ये कितना चल रही है, देखो कितना चल रही है। अब यहाँ से जो मैंने बताया था छत वाला दीवार वाला, वैसे समझो ये चार तक आ रही ना, चार तक, तो यानी यक्ष का मान क्या है, चार है भाई, चार तक आ रही है, एक्स पे चार है। वाई की अगर बात करें तो वाई कितना है, वाई की अगर बात करें ध्यान से देखो, वाई कितना है, ऊपर को जा रही ना वाई, ये कितना है, तीन पे आ रही ना, मतलब कितना है, तीन है, यानी इसका मान कितना हो गया, चार का मतीन, ये निर्देशांक हो गया चार का मतीन। अगर हम बात करें यहाँ, मान लो मैंने सी लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ई, और यहाँ पर लिख दिया जेड, अब ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या है, सी का निर्देशांक क्या होगा, सोचो यक्ष पे कितना चल रहा है, यक्ष पे मतलब इधर साइड तीन चल रहा है ना,
कितना, 1, 2, 3 चल रहा है ना, यानी यक्स कामा वाई, मतलब यक्स का मान कितना, 3 ना, वाई पे कितना चल रहा है, वाई मतलब नीचे को आ रहा है ना, नीचे को आ रहा है ना, 3, यक्स पे गया, वाई कितना, अरे यार ऐसे देख लो, 1, 2, 3, 4 चौथे चल रहा है ना, मतलब वाई वाला 4 तक आया ना, माइनस लेकिन नीचे रहेगा याद रखना, तो 3, -4। अगर इसमें बोले भुज कितना है तो भुज बराबर 3 और कोटि बराबर -4, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया था भुज और कोटि क्या होता है, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे दोस्तों। इंग्लिश में एब्सिसा इसे बोलते हैं और उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो इस क्लास में इतना ही, आप लोग ये दोनों बिंदु ई और जेड इनका मान कमेंट करके बताना, अगर आपने क्लास लिया है तो आप उसे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, आपसे निवेदन होगा इस क्लास को अगर आप डेमो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और रेगुलर क्लास देखें, कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी। और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कहीं कोचिंग नहीं पढ़ना होगा, फ्री आप पढ़ पाएंगे घर बैठे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। जय हिंद। और हाँ, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आप अगली क्लास भी देख पाएं। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में, मैं राजकुमार आपकी 9th की मैथ लेकर के। दोस्तों चैप्टर 1st और 2nd आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको आने भी लगा। आज हम 3rd चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। ये मेज वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगी, खटिया होगा, तख्ता होगा, कुछ होगा ना, उस पर लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे पहले के ज़माने में। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट हो गई है, ढिवरी जिसे बोलते हैं, मतलब मिट्टी का तेल भरते थे कांच की शीशी में, उसमें ऊपर बाती लगा के जलाते थे, जैसे ये स्याही वाला है ना, ऐसे इसमें मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जलता था, ऐसे रख देते थे, जलता रहता था, पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था। आज के ज़माने में अब लोगों को दिखेगा नहीं उतनी लाइट में, ठीक ना, लेकिन हम लोग को बहुत मज़े से दिखता था क्योंकि वैसे खान पान भी होता था गाँव में, देहात में, है ना, मिलावट नहीं होती थी। तो दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए और तब आपको समझ में आता है। देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मान लो आपका स्टडी टेबल है, ठीक, इस पे ये लैंप रखा है, वैसे ये सैनिटाइजर है पतंजलि का, लेकिन ये लैंप है मान लो। अब आपको स्थिति बतानी है कि ये लैंप जो है इस टेबल मेज पे, यानी मेज पे किस जगह पे, यानी कैसे रखा है, तो कैसे बताओगे। देखो, आप ये बताओगे कि हम जिस साइड से बैठे हैं उधर से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है ना, ठीक, और ये बाएं साइड से, ये लैंप बाएं साइड से कितना दूर है, इसको आप नाप लोगे। ये देखो 15, और ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, मतलब 28 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि ये लैंप हमारी तरफ से जिधर से हम बैठे हैं उधर से 15 सेंटीमीटर दूर है, और बाएं तरफ से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। बाकी वैसे नहीं बताओगे कि रखा है बीच में, लेकिन कहाँ रखा है, ज्योमेट्री में आपको करेक्ट बताना पड़ेगा ना। मतलब ये कहने का है कि हम जिधर से बैठे हैं हमारी साइड से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, और जबकि बाएं साइड से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से अगर यहाँ पे ये ना भी रहे, हटा भी दो, बाद में भी कोई लाके इस पर रख सकता है। कैसे, इधर से 15 नाप लो और इधर से 28 नाप लो, ऐसे, तो जहाँ पे ये जाके मिलेगा उसी जगह पे जाके रख देंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर 2 देखिए, क्लास 9th NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। कह रहा कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, उसके पहले मैं आपको बता, बड़ा है थोड़ा, क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन समझने का एक फेर है बस, ये कहानी है एक प्रकार की, बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए समझो। अभी ये सिर्फ आधा क्वेश्चन लिखा है, अभी इतना और भी है दूसरा, ठीक है, कहानी समझो क्या है। कह रहा कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, भाई नगर बहुत से होते हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य सड़कें होती हैं जिन्हें हाईवे बोलते हैं, जो बहुत चौड़ी बड़ी होती हैं, बाकी छोटी मोटी गली मोहल्लों में सड़कें जाती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि जैसे मान लो एक शहर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो मुख्य सेंटर है, जैसे मान लो संगम मान लो, तो वहाँ पर 2 सड़कें क्या करती, मिलती हैं। आगे कह रहा है कि ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण
की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब एक सड़क ऐसे ऐसे है तो एक सड़क ऐसे गई है, बीच में एक जगह कट रहा जहाँ चौराहा बन रहा है, आगे समझो क्या है। कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की और जो सड़कें हैं इन दो सड़कों के समांतर, मतलब अगर एक सड़क ऐसे है तो दूसरी फिर ऐसे नहीं लंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे और भी ढेर सारी सड़कें हैं, और इधर में भी बहुत सारी सड़कें हैं ऐसे ऐसे, अभी बना के दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक। समांतर दूरी पर है, आगे कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब हर दिशा में लगभग 5 सड़क है। 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो भैया देखो, कह रहा कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना, अगर हम 200 मीटर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमारा बोर्ड जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम खींच पाएंगे नहीं, इसलिए क्या करेंगे 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसलिए जहाँ 200 मीटर खींचना वहाँ 1 सेंटीमीटर खींच देंगे, इतना बड़ा छोटा सा बस हो गया, उतने में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हम फिर आगे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, ये है नगर की दो मुख्य सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, कहीं जब चित्र बनाते हैं तो ऊपर साइड उत्तर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, याद रखना, ठीक। कहीं अगर कॉपी में फिगर बनाओगे या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ यानी कि दाहिने, जो उत्तर है उसके दाहिने साइड हमेशा पूर्व होता है, दाहिने साइड क्या होता है पूर्व होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, जिसे वेस्ट बोलते हैं उसे ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो क्वेश्चन फिर से आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखवा दिया था, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी कॉपी खोल लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा, चूंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, तो मिल भी गई केंद्र पर, आइए दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिल रही, यहाँ पे आके मिल रही, ये क्या है नगर का केंद्र है, ये सेंटर है। आगे जो कह रहा है वही करते जाओ, क्वेश्चन समझना, केंद्र पर मिल गई। आगे कह रहा कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, तो ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब इन्हीं सड़कों के समानांतर 200 मीटर दूरी पर हैं लगभग, और हर दिशा में 5 सड़क है, तो मतलब इधर भी 5 सड़क है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5-5 सड़क है। तो चलो खींच लेते हैं, एक सड़क तो ये हो गई, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं यहाँ से, मतलब 5 खींचो इस पे से, एक देखो ध्यान से, दो खींच लो फटाफट, तीन इसी तरह से, फिर चार, फिर पाँच। देखो अब हमने इसके समांतर 5 सड़क खींच दिया, नॉर्थ साउथ वाली जो सड़क थी इसके समांतर हमने 5 सड़क इधर खींच दिया, 5 इधर खींच दिया, इसके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है, मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और वास्तव में 200 मीटर है, ठीक है। देखो 5 सड़क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई नॉर्थ साउथ के समांतर, लेकिन अभी एक ये जो सड़क थी ईस्ट वेस्ट, इसके भी समांतर 5 सड़क खींचना है, बोला था ना 5 सड़क हैं, तो चलो 5 खींचो, एक देखो इस तरह से, भैया सीधी सीधी रोड जाने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ी नहीं होने चाहिए, सड़क सीधी सीधी है ना, तो ये रोड सीधा जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब देखो ध्यान दीजिए साथियों, ये 5-5 सड़कें हो गई हर एक साइड में, 5 इधर हो गई 5 इधर हो गई 5 इधर 5 इधर, ठीक। जो सड़कें ऐसे ऐसे हैं वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है नॉर्थ और साउथ के समानांतर हैं। इतना हो गया, इसको एक मॉडल बनाना था, कह रहा था मॉडल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो, जो मैंने नहीं लिखा था उसको देखो, स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देख लेना छोटा छोटा, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो आप ले लेना, और हाँ नहीं तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तेज़ी के साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ।
कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो मैंने बना लिया था, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दोनों मुख्य मार्गों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये हो गया सब, मैंने कर दिया इतना ठीक। कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो मैंने इतना कहानी तो कर दिया, लेकिन अभी इतने में इसका पूरा हुआ नहीं, अभी आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहा आपके मॉडल में एक से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, हाँ है, बहुत सारा चौराहा है। देखो ये चौराहा, ये भी है, 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 बहुत सारे चौराहे हैं। क्यों भाई, जहाँ पर दो सड़कें इधर उधर काटेंगे वो चौराहा बन जाएगा। एक राह इधर को जा रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो चौराहे कितना है इस तरह से, देखो खूब सारे चौराहे हैं। सही बात है ना, ये सब चौराहे हैं जहाँ पर दो रास्ता एक जगह कट रही, वो क्रॉस स्ट्रीट है, जिन्हें चौराहा बोला जाता है, क्रॉसिंग। हाँ, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं, बिल्कुल हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कह रहा कि यदि दूसरी सड़क, ध्यान से समझना, आप समझना क्या कह रहा है इसमें, वो समझना है, बहुत ध्यान समझो फिर से। कह रहा कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई एक से अधिक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। इतने में कुछ नहीं समझना, बिल्कुल है, ये हो सकता है, अब समझना। कह रहा कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, कौन सी है अभी उसके लिए पूरी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब एक उत्तर दक्षिण में है, दूसरी पूर्व पश्चिम में है। ये कोई क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा जो स्पेशल है, अभी देखो आगे कौन सी है, वो स्पेशल आपके सामने आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है हाँ जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा है ये, और दूसरी सड़क, दूसरी सड़क मतलब कौन सी, देखो दूसरी सड़क, एक तो ये मुख्य सड़क थी और ये एक उसकी नॉर्मल वाली सड़क थी। अब दूसरी सड़क का मतलब ये दूसरी हो जाएगी कि ये होगी, सोचो ये दूसरी होगी कि ये होगी। भाई देखो इसको अगर समझने की कोशिश करो तब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए दूसरी सड़क के लिए आप मुख्य सड़क को पहली सड़क नहीं मानोगे, याद रखना, ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो करा एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी मतलब ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ठीक है, ये सड़क है कोई, कौन सी है, ये दूसरी सड़क है, करा उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण यही तो है ना, तो यहाँ से ये तो मुख्य सड़क है, ये पहली, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। और पांचवी सड़क कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, पांचवी सड़क। अब पांचवी किधर से, पूर्व पश्चिम दिशा में बोल रहा है, पांचवी सड़क, ध्यान से देखो ये पूर्व पश्चिम है। अब पांचवी सड़क कह रहा पूर्व पश्चिम में जाती है, तब हम इसे 2.5 बोलते हैं। तो देखो ये नीचे हो नहीं सकती है क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा, आप पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में शुरू में, अभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो नीचे ये पांचवी सड़क हो नहीं सकती, पांचवी सड़क होगी तो इसी में ऊपर ही होगी, इधर भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर x माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर अगर आएगा नीचे तो y माइनस हो जाएगा। जबकि कह रहा है जिसे 2.5 कहेंगे, मतलब प्लस में बोल रहा है ना, तो प्लस में इसी में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता है। तो पांचवी सड़क किधर से, ये मुख्य सड़क से ऊपर पांचवी सड़क, एक दो देखो यहीं से गिन लो चाहे, ये पहली सड़क है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब ऊपर वाली, और इधर ये यहाँ पे इस पे मिला था ना, ये मतलब यहाँ,
इसको तो मैं वैसे बताया था सड़क के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं था कि यहीं पे आके मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे। ये बोल रहा है ऐसा, क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ठीक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिखाना नहीं 2.5, समझना है। अभी आपसे इसी आधार पे या और भी कुछ पूछ रहा है, जैसे कहते हैं ना, यदि बिल्ली को ऊंट कहा जाए, ऊंट को शेर कहा जाए, तो भालू को क्या कहा जाएगा, वैसे है, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा है इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। जो परंपरा मैंने बताया कि 2.5 जो है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्यों होगा, चूंकि यक्स पे 2, ये यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, तो यक्स पे 2 मतलब 1, 2, ये 2 और ये 5 है। इसी परंपरा पर ये बताइए कि 4.3 है वो कितनी जगह पर हो सकता है। भैया 4.3 कितनी जगह हो सकता है, यक्स पे 4 मतलब चौथी सड़क, चलो यक्स इधर है ना, चौथी सड़क, वो भी प्लस में, इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा यक्स, इधर ही प्लस होता है। चिन्ह के बारे में अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो देंगे, ठीक। देखो साथियों, करना क्या है, इधर साइड में क्या कह रहा है, 4.3 ना, तो 4 सड़क गिनो इधर साइड में, 4 सड़क प्लस साइड में, ठीक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, भैया सड़क तो यही है, अब कहाँ पे होगा ये नहीं पता, अभी जहाँ होगा मिल जाएगा। 4.3, 4 यक्स पे और 3 वाई पर, तो यहीं से 3 ऊपर चलो, 1, 2, 3 मतलब यहाँ पर, ये है 4.3, ये क्या है 4.3 जहाँ मैं घेरा हूँ। ये पूछा था कि कितनी जगह 4.3 लिखा जा सकता है, कितने ऐसे चौराहे होंगे जिसपे हम 4.3 लिख सकते हैं, ये बताओ कोई और ऐसा चौराहा है। हर एक चौराहे का अपना मुख्य मान होगा, हर एक का, प्रत्येक का, ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो मैं वहल चौराहा, सुभाष चौराहा को, महात्मा गांधी मार्ग को आप सरदार पटेल मार्ग बता दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप जो चौराहा है, हर किसी का मुख्य अपना अपना मान है, समझ रहे हो ना। जैसे जो इलाहाबाद से होंगे उनको मालूम होगा बालसन चौराहा है, तो उसे सुभाष चौराहा नहीं बोल सकते हो, है ना। मेवहाल है तो उसे आप बालसन नहीं बोल सकते हो। तो उसी तरह से जो चौराहे हैं सबका अपना अपना मान है। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है, इसका उत्तर लिखोगे 1। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 4.3 मान सकते हैं और किसी को नहीं। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3.4 माना जा सकता है, 3.4 मतलब यक्स पर 3, वाई पर 4, तो यक्स पे 3, इधर यक्स है 3 मतलब 1, 2, 3, ये यहाँ है 3, ठीक। ये मैं रोड का चिन्ह लगा रहा हूँ बस, बाकी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। वाई पर 4, यहीं से 4 चलो, 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ, यहाँ क्या है भैया, ये 3.4। पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3.4 लिख सकते हो, इसका भी उत्तर होगा 1। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 3.4 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्यों। अगर कोई सोचे कि इस पे क्या लिखेंगे, चलो इस पे क्या लिखेंगे, वाई वाला तो 4 ही है, गिनो 1, 2, 3, 4, वाई वाला तो 4 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाला बदल जाएगा, कैसे, यहाँ से गिनो 1, 2 और यहीं पे है ना, या यहाँ से गिन लो चाहे, देखो 1, 2, ये भाई 1 हो गया है 2 ना, इस पे 2.4 बनेगा, क्या बनेगा 2.4, इस पर 1.4 बनेगा, ये पूछा नहीं था लेकिन मैं अपने से बता दे रहा हूँ, ठीक। इस पर करोगे तो यक्स वाला शून्य हो जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ रहा कुछ भी, तो ये 0.4 होगा, चाहे सब का बना लो, हर एक चौराहे का माना जाएगा अपना अपना। अगर इस पे बोलें तो इस पे देखो यक्स पे कितना चल रहा है इधर, 1 और ये 1, 2, 3, 3.4 होगा, 3.4 सही है, गलत है, ये पहले पर है, यक्स पे 1 है, यक्स पर 1 है, वाई पर देखो ये मुख्य सड़क है ना, वाई पर देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर है, मतलब 1.3 होगा, समझ गए ना। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं यार, देखो जो संख्याएं होती, संख्या रेखा आपने देखा होगा, उस पर दाहिनी साइड सभी संख्याएं प्लस होती हैं, +1, +2, +3, +4 ऐसे ऐसे देखा होगा ना, इधर साइड माइनस होती हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में -1, -2, -3, इधर नीचे भी माइनस होती है, -1, -2, -3, -4 होता है ना, ऊपर फिर प्लस होता है, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे होता है। तो भैया अगर ऊपर चलोगे तो प्लस जाएगा मान, इधर जाओगे तो प्लस जाएगा, लेकिन नीचे आओगे या इधर जाओगे तो माइनस आएगा, इसलिए इस चतुर्थांश का मान प्लस प्लस होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था,
क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, ध्यान से सुनो, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। आपको ये बनाना ऐसे ही है जैसे सब बना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैंने बताया, ये और ये चिन्ह उन्ह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सिर्फ वही जो रेड कलर घेरा हूँ उतना लिख लो बस। इसको पूरा बना के रेड कलर वाला जो घेरा हूँ उतना लिख लेना, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है जो स्टूडेंट है नाइन्थ वाले। और जिनको समझना था उनको तो पूरा देखना है, समझ लें वो बस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाने में थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ये कहानी एक प्रकार से। तो साथियों ज्यामिति के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें विशेष महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर भी करवाएंगे। आपको पता है कि चैप्टर का जो है 3.1 आपने पढ़ लिया है, कुछ काफ़ी जो है इसमें पढ़ लिया है 3.12 में जो भी है, तो उसके आगे वाला चैप्टर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले पहले ये सब चीज़ देख लो, ठीक है। 3.1 आप पढ़ लियो, 3.2 करवाना है, लेकिन 3.2 के पहले ये ज़रूरी है। साथियों पहले तो आप वर्ड समझिए, शब्दों को समझिए, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। मुख्य रूप से एक है कार्तीय तल, कार्तीय तल ही इसका मेन जो है वो कप्तान है एक प्रकार से, मतलब मॉनिटर है इस सिस्टम का पूरे, ठीक है। तो कार्तीय तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो वहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है, क्योंकि इसका भी काम लगेगा तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कार्तीय तल को दोस्तों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, देखो लिखा है ना इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं आप समझ लेना, क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके अलावा चतुर्थांश, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ये चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष है ना अक्ष, इसमें तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, वैसे तो अक्ष को अकेले एक्सेस बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक। फिर अभी प्रयोग होगा भुज और कोटि, भुज और कोटि का मतलब जानते हो, जो यक्ष के मतलब सापेक्ष मान होगा वो भुज होगा, उसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, जो वाई के सापेक्ष होगा उसे कोटि बोलेंगे वाई से, ठीक है। तो इंग्लिश में भुज को एब्सेसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आप नोट कर लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि मूल बिंदु क्या होती है इसमें, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं, और फिर भुज क्या है, ये कोटि क्या है, इन शब्दों का परिभाषा हम देखेंगे, इनसे आपको परिचय करवाएंगे ये हैं क्या।